सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्नाइपर बनाने यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो गाइस, आज माइनक्राफ्ट में मैं सोच रहा था कि फिर से एक बार माइनिंग पे जाएं, बिकॉज गाइस जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, हम पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। तो ज़रा सी तो मैंने माइनिंग की थी, एक मेरी पिकैक्स भी टूट गई, उसमें स्टोन की टूटी थी, आयरन वाली मैंने यूज़ नहीं की गाइस, बिकॉज अभी आयरन की ज़रा सी कमी है। मैंने बहुत हॉपर्स बना लिए थे, अभी अपना पूरा आर्मर लेके गाइस माइनिंग पे जाते हैं। लेकिन तो 2 एपिसोड से मिली नहीं है मेरे को। हाँ तो गाइस अभी अपना पूरा आर्मर पहनते हैं और माइनिंग पे चलते हैं। अरे यार, बूट्स पे पहन रही है। और मेरे पास स्टोन फिर से खत्म, क्यों मुझे कलेक्ट कर लेना चाहिए था वो स्टोन। यार गाइस मैंने किया ही नहीं कलेक्ट। ये कौन थी, मेरी मेंडिंग की? हाँ गाइस मेंडिंग की बुक है। और हाँ गाइस, मैंने एक और चीज़ सोची थी, हम लोग माइनिंग पे, मैं तो मतलब ये सोच के जा रहा हूँ कि एक एनविल बना लूँगा। अभी वुड होगी मेरे चेस्ट में, या फिर कलेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा पड़ेगा। स्टिक्स तो है ही। क्या जरूरत थी? क्या नहीं, वो सोल सैंड है। हाँ गाइस कलेक्ट ही कर लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 4 से काम चल जाएगा। ट्री में ऑफ कैंप प्लांट कर दूंगा गाइस। अभी माइनिंग पे चलते हैं और देखते हैं हम लोग क्या रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं गाइस। बाकी माइनिंग से कॉबल स्टोन भी मिल जाएगा। एक क्राफ्टिंग टेबल उठा लेता हूँ। आई थिंक मेरे किसी चेस्ट में रखी होगी, बिकॉज मेरे पे 2-3 थी पहले क्राफ्टिंग टेबल। अच्छा गाइस, मैं ज़्यादा लंबी माइन, एक सेकंड, वहाँ पे वुड थी शायद से। हाँ मैं गाइस ज़्यादा लंबी माइनिंग पे तो नहीं गया था, ज़रा सही गया था। क्रॉप्स भी अभी लगभग उग गए हैं, बस एक दो ही बचे हैं। टॉर्चेस भी तो चाहिए होंगे, उसके लिए कोल ले लेता हूँ। मैं तीसरी बार वापस ऊपर आ रहा हूँ गाइस। तो 2-4 कोल हो गया, 4 कोल हो गया आई थिंक। 24 तो टॉर्चेस बनी गई, ये काम आ जाएंगी बहुत देर तक गाइस। तो अब चलते हैं माइनिंग पे और देखते हैं गाइस क्या रिसोर्सेज ढूंढ सकते हैं हम। अभी मैं लगभग लगभग 200-300 ब्लॉक, तो आई थिंक मेरी माइन बहुत लंबी हो चुकी है। 300 ब्लॉक की तो हो ही चुकी है गाइस। साइड के रैंडम होल्स फिल करने पड़ेंगे। मैं फूड भी नहीं लाया गाइस। के चौथी बार है जब मुझे वापस ऊपर जाना पड़ रहा है गाइस। तो जल्दी से उठाते हैं हम लोग और फूल उठा के फिर चलते हैं। कहाँ रखा है फूड? मेरे फूड ही नहीं है क्या? 4 डायमंड है, फूड फिर भी नहीं। आई थिंक मेरे इस चेस्ट में रखा होगा जरा सा जितना बचा था वो। जब स्लैब्स ही खाऊंगा मैं तो। ऐसा करते हैं गाइस, अभी उसको यूज़ करने की वजह मैन्युअली करेक्ट कर लेते जल्दी से, बिकॉज
सपोज उसको यूज़ कर दिया तो फिर पूरा हमें सारे भरने पड़ेंगे, इतने की ज़रूरत भी नहीं है। एक प्लॉट गजी मॉब्स ख़राब कर देते हैं, ये प्लॉट खुद ही से सूख जाते हैं, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पानी लगा हुआ है इनके साइड में, तो ये सूखते नहीं खुद से। हाँ भाई, 36 कैरेट से काम चल जाएगा प्रोबेबली। चलते जल्दी से, एक बार वापस नहीं आऊँगा। गाइस मेरे रेंडर डिस्टेंस के बाहर है ये माइनक्राफ्ट, बिकॉज दिख ही नहीं रहा, देखिएगा सामने ब्लू दिख रहा है। इतना भी नहीं था, मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। ओ हाँ, ये वाटर केव आ गई थी ना बीच में, तो उसमें बहुत टाइम लग गया था गाइस। अभी फिलहाल चलते हैं, और कोल मिल गया और आयरन भी मिल गया गाइस। ओके तो गाइस अब आगे चलते हैं। हाँ गाइस, उस वाटर केव को मैंने हल्का सा एक्सप्लोर किया, उसमें कुछ मिला भी नहीं, अंदर टॉर्च भी नहीं लगा सकते एक तो। और कोई? ओके नाइस। कितना कोल है? और रेडस्टोन भी मिला वैसे। अभी डायमंड भी मिल जाए वो भी अच्छा रहेगा। रेडस्टोन क्या करें? अरे यार, ये वाटर के वाटर वाली केव बहुत अनोइंग होती है। अरे यार, ये भी बचा है, फिर से वाटर केव ना खुल जाए। और एक तो इन्हें एक्सप्लोर करना इतना अनोइंग होता है, ऊपर से माइनिंग के बीच में आ गई तो फिर पूरा पानी भर जाता है। हाँ तो गाइस अब चलते रहते हैं हम अपना आराम से, कोई केव मिल जाएगी वैसे गाइस तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज केव में एक बार में हम लोग ज़्यादा ब्लॉक्स कवर कर सकते हैं ना गाइस। सीरियसली, ए स्केलेटन 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 और एक स्पॉन। आई थिंक ये केव में क्लासिफाई हो सकते हैं गाइस। स्पॉनर में चेस्ट नहीं है? वियर्ड स्पॉनर है गाइस ये। फिलहाल स्पॉनर में चेस्ट क्यों नहीं है गाइस? ये चीटिंग है। हाँ तो गाइस अब क्या करते हैं, स्पॉनर से फार्म बना सकते हैं हम लोग स्केलेटन्स का। एक तो ज़्यादा एफिशिएंट होता है फार्म, और एक थोड़ा स्लो टाइप का होता है, तो कौन सा बनाए? ज़्यादा एफिशिएंट वाले में गाइस ज़्यादा ब्लॉक्स लगते हैं ना, आई गेस ज़्यादा एफिशिएंट वाले बना देते हैं गाइस। नहीं, स्लो वाले ही ठीक है, सोचना पड़ेगा। फिलहाल हर डायरेक्शन में 4 ब्लॉक्स करने होते हैं, वो तो दोनों में ये एक में, लेकिन 2 डायरेक्शन में 8 करने होते हैं। गाइस बंच ऑफ स्टोन पे एक्सेस बना लेते हैं, बिकॉज उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो देखा ही नहीं था उधर की साइड भी है केव। देखते हैं कुछ नहीं खोलिए। हाँ तो गाइस कौन सा वाला बनाए? एक में ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट होगा, एटलीस्ट आई थिंक ज़्यादा एफिशिएंट होता है वो वाला।
तो गाइस आई थिंक नॉर्मल वाला ही बना देते हैं, तो इतना डिफिकल्ट है एक्चुअली, आई डोंट नो, बिकॉज जितना मैंने आज तक देखा है उस हिसाब से तो एक स्पॉनर से 4 ब्लॉक दूर में ही बस मॉब स्पॉन हो सकते हैं, वो स्केलेटन था ऊपर से, जब 4 ब्लॉक के आगे कुछ होगा ही नहीं उसके, तो फिर वैसे भी स्पॉन नहीं होंगे गाइस। इकट्ठा क्यों है तो गाइस आई गेस 4x4 वाला जो होता है वही बना देते हैं, वही वाला सही रहेगा गाइस। हाँ तो एक तो हर डायरेक्शन में 4 ब्लॉक्स डिग करना है, तो ये हो गया 4, आई थिंक 3 ब्लॉक तो नीचे ही डिग करना होता है, इस वाले में तो ऑलरेडी 4 है गाइस, उधर हो गया 4, तो और यहाँ तक हुआ, तो अभी अपनी मेन एंट्रेंस ब्लॉक कर देते हैं बिकॉज उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा गाइस। और ये हो गया इधर 4, इधर की साइड भी 1 ब्लॉक आगे डिक करना है, बस इसमें 1-2 ब्लॉक दूरी कोई केव ना हो वरना वहां पे भी स्पॉन होंगे गाइस। हाँ तो गाइस स्केलेटन के स्पॉनर से तो हमें एन्चांटेड बोज और बोज मतलब नॉर्मल बोज एरोस बोन सब कुछ मिल सकती हैं, मतलब अब तो हमारे पे इन्फिनिट बोन मिल वैसे ही है। अगर उसे AFK वाला भी बना सकते हैं लेकिन हम पे XP की थोड़ी कमी है, तो XP वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ब्लॉक इधर ये और डिग करना है जितना है, आई थिंक इसके मेजरमेंट्स हो गए, अभी स्पॉनर से 3 ब्लॉक तो नीचे होना चाहिए गाइस। हाँ तो गाइस 3 ब्लॉक तो नीचे ही करते थे स्पॉनर से, गाइस इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज आई थिंक 9x9 में मतलब 81 ब्लॉक तो पर लेयर करनी है हमारी, लगभग लगभग 243 ब्लॉक्स हो गए गाइस माइन करने के लिए। ये आग के पार्टिकल तभी निकलते हैं ना जब वो एकदम से स्पॉन होने वाले होते हैं, या फिर अगर लाइट हो तब भी वो मतलब निकलते रहते पार्टिकल से अटक जाते हैं स्केलेटन, ऐसा कुछ सीन है क्या गाइस मुझे नहीं पता, अभी 3 ब्लॉक का करना है इसे नीचे इतना पता है गाइस। क्या सिर्फ मैं ही या फिर आप लोगों को भी लगता है कि नॉर्मल कॉबलस्टोन और मॉसी कॉबलस्टोन ज़्यादा टाइम लेता है स्टोन से माइन होने के लिए? तो ध्यान रखना इस स्पॉनर को ही ना तोड़ दूँ, मैग्मा ब्लॉक, अरे यार कल जो नहीं चाहिए था वही क्यों, गाइस आयरन पिकैक्स इसलिए नहीं यूज़ कर रहा बिकॉज अगर आयरन पिकैक्स यूज़ करके तोड़ दी और उसके बाद कोई गोल्ड और या रेड स्टोन और ऐसी कोई और आ गई, डायमंड तो बहुत रेयर हो गया, तो गाइस उसे माइन नहीं कर पाऊंगा ना। अभी 2 ब्लॉक डीप होने वाला है, होने का वाला है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस ये वाले दोनों ब्लॉक साथ में ही कर देते हैं डीप ब्लैक, ओके
मैं उसके आगे का रेडस्टोन का माइनिंग नहीं करने वाला, बिकॉज वाटर केव में खुल सकता है और मेरे को वो नहीं चाहिए। अभी के लिए मैं दोनों लेयर्स का साथ में करता जा रहा हूँ, और जब तीन लेयर खुद जाएंगे उसके बाद का काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे ऑब्सीडियन है, अच्छा हाँ वो वाटर केव का लावा होगा वहाँ पे, एक लावा के नीचे तो डायमंड्स भी मिल सकते हैं, एक नीचे लावा है। छोड़ो ओके, दो स्टोन पिकैक्स टूट गई मेरी। यहाँ से क्राफ्ट कर सकते हैं आराम से, तो ये दो और रख लेते हैं। अभी ये जल्दी से टूटे, फिर उसके बाद आगे का काम करूँगा। ये मेन स्टेप तो नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है गाइस। अच्छा गाइस मैंने अभी सोचा कि मेरे को वाटर भी तो चाहिए होगा, वाटर बकेट्स, वाटर बकेट तो ऊपर से लानी पड़ेंगी गाइस। अभी ये करते हैं उसके बाद देखता हूँ। आज एक तो इतने डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स इन्वेंट्री में भरते जा रहे हैं इसकी वजह से, कॉबलस्टोन, ग्रेनाइट, मॉसी कॉबलस्टोन कहीं पे बीच में, रेडस्टोन, कोल और वो सब डायोराइट, वो सब भी आ रहे, डर्ट भी। देखिए इतने सारे रैंडम चीज़ें भर गई। ओके गाइस ये तो हो गया, अभी मेरे को वाटर बकेट लानी पड़ेगी, तो आप उसमें तो बोर ही हो जाएंगे, तो वाटर बकेट मैं अभी लेके आता हूँ गाइस, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस तो मैं 6 हॉपर ले आया, 2-3 वाटर बकेट और 2 चेस्ट भी ले आया गाइस। तो अब हमें अगला काम करना है जो कि होगा कलेक्शन, मतलब उन स्केलेटन्स को कहाँ पे हम लोग लेके आए बताइएगा। आई गेस इस साइड सही रहेगा बिकॉज इधर की साइड हमारी केव, ये तो ये भी 3 ब्लॉक डीप करना है, मतलब और एक्स्ट्रा से 3 ब्लॉक डीप का बेड रॉक ना पहुँच जाए, यही चलता रहा तो। आई थिंक बेड रॉक पे ही होगा हमारे, ये तो ये 3 ब्लॉक हो गया। अब क्या करना होगा, एक सेकंड, पहले तो गाइस ऊपर चेक कर लेते हैं कि वाटर कहाँ तक पहुँचेगा अगर एक जगह पे लगाए तो। अगर ये तो एंड तक ही पहुँचेगा, ये सही है। ये तो पूरा हो गया, ये टॉर्चेस तो नहीं तोड़ सकते, वहाँ पे एक छेद रह गया रैंडम, वो हटा देते हैं। ओके वो छेद हटा दिया, अभी नीचे जाएंगे यहाँ पे एक टॉर्च लगा देते हैं। आई गेस इस साइड हम लोग कर सकते हैं 3 ब्लॉक, 2 ब्लॉक ही कर सकते हैं, नहीं तो इधर नहीं, सेंटर में करते हैं इसके। एंड गाइस इधर तो 2 ही ब्लॉक होगा, वो ठीक है। उसके बाद हम लोग उधर की साइड अपने लिए एक रूम बना लेते हैं, आगे इस रूम के शेप पे ध्यान मत दीजिएगा गाइस, बिकॉज
बेडरॉक की वजह से ये शेप बेकार ही होने वाला है। बाकी हम लोग यहाँ से 12 कोऑर्डिनेट तक डिक कर लेते हैं। अभी पिकॉक्स पिकैक्स और ये पिकॉक्स नहीं, अगर मैं माइनिंग 12 पे कर रहा था या 13 पे। मेरे को याद भी नहीं, लेकिन फिलहाल 12 पे करेंगे तो 13 का भी आ ही जाएगा, मतलब दिख ही जाएगा। 12 तो हो गया। यहाँ से आएगा यहाँ साइड में इधर उधर करके देखते हैं, कहीं तो होगी हमारी माइन। यहाँ तो नहीं दिख रही, यहाँ से सामने की तरफ करते हैं जरा। एक्चुअली ऐसा करते हैं गाइस कि हम लोग अपनी माइंड से सेकंड इसके कोऑर्डिनेट याद कर लेते हैं और अपनी माइंड से इस तक कर देते हैं। फिर 548 और 548 और -5 याद रखने हैं। ओके गाइस, तो एक चीज तो भूल ही गया था, अगर इसको 3 का कर देंगे तो फिर इन तीनों में स्केलेटन आएंगे गाइस, तो फिर वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पे साइन लगा दूंगा वाटर को स्टॉप करने के लिए गाइस, और अभी चलते हैं। कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी भूल चुका हूँ, 558 और 5 था -5, एक्चुअली 548 और -5। ओके तो गाइस अब 548 और -5 कोऑर्डिनेट पे चलते हैं, और वहाँ से हम लोग अपना वहाँ उधर तक बिल्ड कर लेते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूँ, 548 और -5 कोऑर्डिनेट पे तो पहुँचना है। ब्लॉक लगाओ यहाँ पे, कहाँ पे था, उधर की साइड है, मैं कंफ्यूज हो गया शायद से थोड़ा सा। तो गए ये वाले सब हटा के ऐसा करते हैं, ऐसा ही उधर की साइड बना देते हैं गाइस। तो गाइस मैं ऐसे ही उधर की साइड बनाता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो ज़रा सी गड़बड़ हो गई थी बनाते हुए, मैंने गलती से थोड़ी जल्दी निकाल दी टॉर्चेस, तो गाइस उसकी वजह से स्केलेटन्स ने स्पॉन होकर मेरे को सूट दिया था। अभी फ़िलहाल सब काम हो चुका है, और हाँ जैसा मैंने सोचा था इधर भी बेड रॉक पहुँच गए थे, तो मुझे थोड़ा वियर्ड सा बनाना पड़ा इसे। नहीं यार, नहीं 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 यार, क्रैप जल के मर गए। हाँ तो गए, अभी कुछ तो सामान बची गया, देखते क्या बचा अभी जाके। और यार कैरेट्स तो बच गई थी, इतना देखा था मैंने। टॉर्चेस ओके, तो गए जाके देखना पड़ेगा कि क्या सामान बचा। मेरे को क्या पता था वहाँ पे लावा होगा, मुझे ये तो पता था कि वहाँ पे एक लावा पूल है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वही नीचे वाले ब्लॉक पे लावा होगा गाइस। तो जल्दी से जाते हैं और देखते हैं। मेरी हमारी एंट्रेंस क्या सामान मिला, गॉड ये रहा लावा, उसके साइड में था लावा, वही तो। चलिए एटलीस्ट आयरन की चेस्ट प्लेट तो बची गई, आयरन पिक एक्टिव हो गई गाइस, बस चेन का आर्मर तो क्या शर्त से। गाइस हॉपर्स भी बच गए मेरे,
और मैग्मा ब्लॉक लावा गाइस सब कुछ लगभग बच ही गया, बस वही चेन का आर्मर गया और थोड़े ब्लॉक फ्लॉक। ब्लॉक्स का तो उतना काम नहीं, लेकिन गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्केलेटन फार्म इतना तेज प्रोड्यूस कर रहा है कि ऑलरेडी 2 एन्चांटेड बोन मिल चुकी गाइस। तो मैं 3 से 4 बार गए लगभग मर गया था पहले स्केलेटन से, बिकॉज स्केलेटन फार्म एकदम से मतलब स्केलेटन का स्पॉनर जो इतनी तेज एकदम से कर देता है गाइस कि फिर रोक ही नहीं पाया मैं। क्या ये ऑप्स, ओ गॉड अभी लावा जला देता गाइस फिर से। हाँ तो आज के दिन हम लोगों ने बनाया ये स्केलेटन का फार्म जिसपे मैं जरा देर तो कैंप करूंगा ही, लेकिन अगले एपिसोड में करूंगा, अगले मतलब एपिसोड के पहले करूंगा, बिकॉज आप जानते हैं कि मेरे को बंद करना मेरी स्टोन सॉल्ट भी थी। हाँ तो गाइस आज के लिए एक सेकंड देखते हैं। ओ गॉड 4 हो गए एन्चेंटेड बोर्ड्स गाइस, दुनिया भर की अनब्रेकिंग टूल भरी पड़ी है, इनसे तो बहुत एक्सपी मिल सकती है। और बाकी मेरे पे एक आइडिया है कि एरोस को यहाँ पे स्प्रेड कर देते हैं, 2 रोज में कर देते हैं गाइस या फिर 3 में कर देते हैं। तो वैसे ये एरोज को 3 रोज में कर दिया स्प्रेड, और बोन्स को भी कर देते हैं। अरे यार मैंने 2 बार क्या सोच के टैप किया। हाँ तो कैसे ने 2 रोज 3 3 रोज में दोनों को स्प्रेड कर दिया, अभी कैक्टस तोड़ लेते हैं ना फिर वहाँ से शूट कर सकते हैं। ओके गाइस हाँ तो एक क्राफ्टिंग टेबल बना के मेरे को पिक स्वॉर्ड वॉर्ड कुछ बनानी पड़ेगी। और गाइस क्राफ्टिंग टेबल, तो अगली बार मैं मतलब जरा सीधे रेफ के जाऊँगा, फिर देखते हैं कि कितना प्रोड्यूस होता है गाइस। मैं 3 3 रोज में वो इसलिए किया जिससे कि मतलब जो फालतू में इतने सारे स्केलेटन थे जो फालतू की बोझ बोझ भर जाती है ना, उन बोझ को भरने से रोक पाए। एक और एन्चेंटेड वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी मिल गई गाइस। ये स्केलेटन का फार्म तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। एक और पंच और एक गोल्डन चेस्ट प्लेट। ओके गाइस तो अब आज के एपिसोड का हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।